नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कॉकटेल बनाने का वीडियो शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज की ये कॉकटेल बनाने का वीडियो आप सभी को पसंद आएंगे। तो वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चाहे न्यू ईयर हो या घर में छोटे मोटे फंक्शन हो या किटी पार्टीज हो, तो उस दिन अगर आप इस तरीके से कॉकटेल बना के सर्व करेंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम कॉकटेल बनाएंगे वोडका से। तो यहाँ पे मैंने वोडका ले लिया है। वोडका का कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तो अभी हम रखेंगे साइड में, और जो भी आज हम फ्लेवर वाला बनाएंगे तो सभी चीज़ें मैंने ले लिया है यहाँ पे। कॉकटेल को सर्व करने के लिए आप कोई भी ग्लास ले सकते हो जो आपके पास है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको कोई खास ग्लास की ज़रूरत है। तो मैं इसमें बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रेड बुल से। रेड बुल का फ्लेवर मैंने ये वाला लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप ले सकते हो। तो खोल लेंगे हम कैन को। तो सबसे पहले हम वोडका डालेंगे ग्लास में 60 ml। तो ये मेरा 30 ml का ग्लास है, तो मैं 60 ml डाल लूँगी। आप 60 की जगह 30 ml या 45 ml भी ले सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। तो 60 ml हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे ये रेड बुल। पूरा ग्लास हम भर देंगे। तो ये रेड बुल वाला आप फ्लेवर एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ग्लास मेरा यहाँ पे छोटा है, तो इस वजह से यहाँ पे रेड बुल थोड़ा सा कम डाले हैं हमने। अगर आप बड़े ग्लास लेते हो तो 60 ml अगर आप वोडका डालते हो तो वहाँ पर 150 ml आपको रेड बुल डालना है। तो ये तैयार है हमारा बहुत ही ईजी रेड बुल वोडका। तो इसे हम अभी रखेंगे साइड में और जाएंगे हम नेक्स्ट कॉकटेल की ओर। अब हम बनाएंगे मिक्स वोडका। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे 30 ml ऑरेंज जूस, और जाएगा यहाँ पे क्रैनबेरी जूस 90 ml। तो 90 ml डाल लेंगे हम। ये फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप जरूर बना के देखिएगा। अब हम यहाँ पे वोडका डालेंगे 45 ml। तो ये गया हमारा 30 ml, और हम डालेंगे इसका आधा, आधे से भी थोड़ा सा कम। और फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, वोडका आपको जितना यहाँ पे डालना है वो आपका चॉइस है। 60 ml चाहे 40 ml या 30 ml, जो आपको पसंद हो, जैसा स्ट्रॉन्ग पसंद करते हो वैसा आप यहाँ पे डालिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 60 ml डाल रही हूँ तो आपको भी 60 ml डालना है। तो बस एक बार मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे आइस क्यूब। ऑरेंज के स्लाइस हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कॉकटेल एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। अब हम बनाएंगे ऑरेंज जूस से। तो यहाँ पे हम ग्लास ले लेंगे और इसमें डालेंगे 90 ml ऑरेंज जूस। तो 90 ml हमने ऑरेंज जूस डाल लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 45 ml वोडका। सॉरी, बहुत ज़्यादा डाल लिया। तो हम यहाँ पे 15 ml
डालेंगे आइस क्यूब। आइस क्यूब आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। एक बार मिक्स करेंगे और इसे भी हम ऑरेंज से एक पुदीना के पत्ते रख देंगे, एक ऑरेंज के स्लाइस को ऐसे रखेंगे और एक स्लाइस हम अंदर इस तरीके से डिप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तीनों में से कौन सा फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के ये कॉकटेल बनाने का वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी मैंने इसे सर्व करने की आप लोगों के साथ कोशिश किया है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। तो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।